ठीक है, लैंड यूज़ के अलावा जो क्लीनिंग चार्जेस है वो नगर निगम मुझसे हर साल जमा दी गई है। ये मैं इसलिए हर साल मैं यूनिट टैक्स जमा करा रहा हूँ। इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत, तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। सर, ये श्री गोविंदम मैरिज गार्डन है जो वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पास में स्थित है। हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि यह प्रॉपर्टी 2004 से डेवलपमेंट में है। 2011 से हमने इसमें स्टे वगैरह ले रखा है। 2008 से इसका मैरिज गार्डन का हमारा उपभोग चालू है और 2008 से ही नगर निगम में हर साल जो भू उपयोग परिवर्तन है और जो लैंड यूज़ है, मैरिज रजिस्ट्रेशन चार्जेज है, क्लीनिंग चार्जेज है, हर साल हर महीने जो पार्टी का नगर निगम का चार्ज है वो सब मैं हर टाइम पर टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा हर चीज़ रेगुलर चल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ना अधिकारियों को कभी परेशानी हुई ना किसी तरह से हुई। अब ये किस द्वेष में आके या किस कारण ये कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। हमारे सिर्फ एक ही मजबूरी ये है कि हमारे 1 तारीख से शादियाँ चालू हैं। ठीक है, अब जो 1 तारीख से 4 तारीख जो शादी है उसमें वो डेस्टिनेशन वेडिंग है। वो पार्टी लड़का जो है वो दिल्ली का है और लड़की है अहमदाबाद की। 1000 लोगों का फंक्शन है और 4 दिन तक 1000 लोग मेरे गार्डन पर रहेंगे। तो उन्होंने रहने के लिए मेरे गार्डन के अलावा पास के जितने भी होटल से मैंने पर्सनली बुक करवाए उनके लिए, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग है। उस हिसाब से अब क्या समस्या आएगी? समस्या ये रहेगी कि अब 1 से 4 जो बुकिंग रहेगी, अब मैं वो बुकिंग कैसे कराऊंगा? सबसे बड़ी समस्या ये है कि लड़की के सारे तैयारियाँ हो गई है, कार्ड छप चुके हैं, कार्ड बट चुके हैं, इवन वो कार्ड मेरे को भी वो दे के गए थे, वो कार्ड अंदर पड़ा हुआ है, सब वो छप गए, कार्ड सब हो गया। यहाँ पे एक मैडम आई है, सॉरी मैं मैडम का नाम तो जानता नहीं हूँ, और ये सब पुलिस वाले खड़े हुए हैं, निगम से या ये एडीए से आए हुए हैं सबके सब जी। सब ये एडीए की कार्रवाई है। बताइए यहाँ पे आप, मुझे तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ना बोल रहे हैं ना सुन रहे हैं, दोनों चीज़ें बंद करके आए हैं। तो अब वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया। 15 तारीख को इन्होंने जो हमें नोटिस दिया था उस नोटिस का जवाब मैं इनको मंडे को मैंने इनको नोटिस का जवाब दे दिया था। उसकी रिटर्न कॉपी मतलब मेरे पास है, रिसीव कॉपी मेरे पास पड़ी है। उस जवाब से ये संतुष्ट हुए या नहीं हुए उसका भी इन्होंने लिखित में मुझे कुछ नहीं दिया। आपको अगर मैं कुछ दूंगा तो कम से कम आपको ये तो बताओ कि मैं संतुष्ट हूँ नहीं हूँ। आपको जवाबी कार्रवाई कैसे कर लोगे बिना नोट, मतलब आपने कुछ करे और आप आके और हमें बोलो भैया खाली कर दो। अब आगे किस तरह का नुकसान होगा आपको? पूरा नुकसान ही है, मेरा नुकसान तो चलो वो है, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आने वाली हमारी पार्टियों को है। कैसे मेंटेन? ठीक है, हमारा जो नुकसान हो गया, ये जो पब्लिक जो नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है ना, कल से मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं कि मैं उनको जवाब देते देते थक चुका हूँ। ठीक है, और शहर के बहुत नामी गिरामी लोग हैं, पार्टियाँ जो मेरी हैं बहुत नामी गिरामी हैं, वो सब मेरे को बहुत फोर्स कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, इसके लिए। अब हम गुहार करेंगे एडीए में जाके, जो ये अधिकारीगण हैं इनके, डीसी साहब है, जो भी मैडम बोल रही है जिन जिन का, उनके लिए गुहार करेंगे और आगे जो हमारी कानूनी कार्रवाई है हम फिर वो करेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रंजीत दायमा है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ।